नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। तो बच्चों, हमने जो हमारा रिवीजन का फर्स्ट सेशन था उसमें हमने अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ रू ओके वो क्लियर कर लिए थे और ए भी हमने उसके ए के भी थोड़े वर्ड्स देखे थे, राइट। इस सेशन में हम ए आई ओ औ क ख ग और घ इसके बारे में हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमारा जो कोर्स है, हमारा जो सिलेबस है इस एग्जाम का, उसमें पूरे स्वर आएंगे सभी के सभी और हमारा क ख ग और घ ओके चार हमारे व्यंजन आएंगे, राइट। तो चलो सबसे पहले हम आज क्या क्या देखेंगे वो अभी करते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे ए, राइट, आई, फिर उसके बाद ओ, उसके बाद औ, फिर हम उसके बाद क ख ग और घ देखेंगे, राइट। क्या क्या देखेंगे, क ख ग और घ, राइट। इतना आज हम देखेंगे, डन। तो सबसे पहले हम ये जो हमारे स्वर है उसके शब्द देखते हैं, राइट। देखो एल्बम, एक, एक तारा, एडी, ये सब ए वाले वर्ड है, ये है आई वाले, ऐरावत, ऐनक, ऐश्वर्य, इसके ऊपर मात्र ऐरावत, ऐनक, ऐश्वर्य और ऐसा। एल्बम, एक, एक तारा, एडी, ऐरावत, ऐनक, ऐश्वर्य और ऐसा ओके। तो ये है आई वाले वर्ड। अब देखते हैं ओ वाले, ओढ़नी, ओस, ओखली और ओट, ओट यानी कि हमारे लिप्स, ओढ़नी, ओस, ओखली और ओट। यहां पर है दो मात्रा ऊपर है, औरत, औजार, औषध और, औरत, औजार, औषध और। तो अब हम कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो देखेंगे कि आपको अगर कोई वर्ड दिया है तो आपको उसमें कहा है कि स्वर को पहचानो, स्वर को पहचानो, तो राइट। तो इसमें हमारा स्वर क्या है, ए, इसमें भी हमारा स्वर ओके। इस तरीके से हमें स्वर को पहचानना है, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। इसमें भी हमारा ए वाला है वो भी स्वर है, राइट। ये तो मैंने इस तरीके से लिखा है, आप लोगों को मिक्स में आएगा कि ओ है औ है तो उसमें से ए वाला स्वर कौन सा है, ये शब्द दिया है ओढ़नी तो उसमें कौन सा स्वर है, अगर ये शब्द दिया है ऐरावत तो उसमें कौन सा स्वर है, राइट। इसमें भी ओ, 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 ओके, डन। तो ये है हमारे स्वर, क्या है स्वर ओके। ये सारे वर्ड मैंने लिखे हैं, आप लोगों को उसको एक दो बार देखना है कि ओ ढनी, अगर मैं आपको डेस करके वो भी हम देखेंगे, डेस करके ऐसा दूंगी तो आपको यहाँ पर लिखना है ओ, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन अभी हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने वर्ड देख लिए कि कौन कौन से वर्ड है, राइट, कौन कौन से वर्ड है और उसमें कौन कौन से स्वर से वो शुरू होते हैं, राइट। अभी हम देखते हैं क ख ग वाले, हमने जो जो शब्द सीखे हैं वो शब्द पहले हम देखते हैं, राइट। तो चलो देखते हैं वो। तो बच्चों अभी हम क ख ग और घ वाले शब्द देखते हैं कि क के अंदर कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, ख के अंदर और ग और घ के अंदर। देखो यहाँ पर क से कबूतर, क से कलम, क से कछुआ, क से कमल, कमल यानी कि फ्लावर और कलम यानी कि जो लिखने की पेन होती है वो, इन दोनों में आपको मिस्टेक होनी चाहिए नहीं, क्योंकि ल और म का ही सिर्फ चेंजेस है,
क से कबूतर, क से कलम, क से कछुआ और क से कमल, राइट। फिर ख से देखते हैं, ख से खत, खत यानी हमारा लेटर पत्र होता है वो, ख से खजूर, ख से खरगोश, ख से खटमल, ख से खत, ख से खजूर, ख से खरगोश, ख से खटमल, ग से गर्दन, ग से गमला, ग से गधा, ग से गजरा, घ से घड़ी, घ से घर, घ से घड़ा, घ से घट, ओके। तो ये है हमारे क, ख, ग और घ। अगर आपको एक वर्ड दिया है जैसे कि कबूतर, तो उसमें आप लोगों को कहा है कि क वाला शब्द पहचानिए। आपको तीन वर्ड दिए होंगे, कबूतर, खत या गर्दन, तो आपको ये कहा है कि क वाला व्यंजन पहचानो, तो कौन सा आएगा, ये क वाला ही, राइट। ओके, ये भी क हमारा जो हमने व्यंजन सीखा है, ख और ये ग, राइट, और ये है ग, क ख ग ग। इनसे हमें कौन कौन से वर्ड बनते हैं वो हमने देख लिए, राइट। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ये वर्ड आप लोगों को पता होना चाहिए, हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपको ये दिया होगा डेज, यहाँ पर डेज दी होगी, यहाँ पर भूत दिया होगा, तो यहाँ क्या लिखना है, क, ओके। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे किस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। देखो सबसे पहले हमें देखना है कि देखो यहाँ पर एरावत, एरावत शब्द में कौन सा स्वर है, एरावत शब्द में कौन सा स्वर है, तो हमें पता है कि स्वर कौन कौन से है, राइट। अ आ ई ई रू ऊ ऊ ए ऐ ओ औ, राइट, पता है हमें सारे स्वर। तो यहाँ पर देखो रा, व और त, ये तीन तो क्या है, व्यंजन है, राइट, और स्वर तो सिर्फ एक ही है, राइट। तो इसमें स्वर क्या है, ए, क्या है, ए। हमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही है कि इसमें ए है वो हमारा स्वर है, राइट। देखो यहाँ पर अब ऑप्शन देखिए, रा, व या ए, तो राइट, हमें तो पहले ही पता चल गया है कि इस पूरे वर्ड में फिर यही एक जो है वो स्वर है, राइट। तो इसका इसलिए हमारा आंसर होगा यह, राइट, ए, ये हमारा आंसर होगा। देखो यहाँ पर डेस खली शब्द में कौन सा स्वर आएगा, डेस खली, तो खली से क्या बनता है, नहीं याद है, इट्स ओके। सबसे पहले इन सब को रख के देखो, सबसे पहले देखो ई को रख के, इखली, इखली नाम का कुछ था नहीं, फिर ओ रख के देखो, अखली, अखली भी नहीं था, क्या होता है, ओखली, क्या होता है, ओ से ओखली, तो इसमें क्या वर्ड आएगा हमारा, ओखली, राइट। देखो अगर हमें पता नहीं है कि खली के अंदर कौन सा वर्ड आता है, तो हमें सभी वर्ड को इसके साथ रख के पहले देखना है कि ये वर्ड आएगा, ये वर्ड आएगा, यस, तो हमें वो वहां पर टिक करना है, डन। देखो यहाँ पर औषध, ये मैंने लिखा है, पर आपको यहाँ पर एक पिक्चर होगा, औषध का हो वो जरूरी नहीं, यहाँ कोई भी पिक्चर है, जो जो हमने स्वर सीखे है वो, और जो जो हमने क ख ग के, क ख ग और ग के जो जो हमने शब्द सीखे है वो शब्द में से कोई भी यहाँ पिक्चर होगा, कोई भी पिक्चर यहाँ पर होगा, और हमें कहा होगा कि यह कौन सा चित्र है। अगर यहाँ पर औषध का चित्र है तो हमें यहाँ देखना है औरत, औषध और औजार, तो हमारा आंसर क्या होगा, यस, ये होगा, राइट। अगर यहाँ पर कबूतर का चित्र है तो यहाँ पर हमें कबूतर दिया होगा ऑप्शन में, तो हमें वो टिक करना है। अगर यहाँ पर हमें अनार का चित्र दिया है तो हाँ यहाँ पर अनार लिखा हुआ होगा, तो हमें वो टिक करना है, राइट। यहाँ पर कोई भी पिक्चर आपको दिया है, अगर आपको पूरा रीड करना नहीं आता
तो आप लोग एक या दो वर्ड रीड करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि इसमें से आंसर कौन है, क्या है, राइट? ओके, तो ये मैंने लिखा है पर लिखा नहीं होगा, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया होगा जिसको देख के आप लोगों को ये सारे जो वर्ड है वो उसमें से जो सही आंसर है वो आप लोगों को टिक करना है, राइट? तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गए। और भी चलो हम क्वेश्चन देखते कि और किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट? तो चलो देखते हैं अब हमारे और क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? तो देखो सबसे पहले यहाँ देश रत, यह शब्द में कौन सा स्वर आएगा? ओके, रत, यह शब्द में कौन सा स्वर आएगा? तो आरत, औरत या औ, आरत ओ या औ, तो क्या आएगा? औरत। हम क्या लिखेंगे? औरत, यानी कि हमारा आंसर होगा औ, राइट? देखो यहां पर खटमल शब्द में कोई स्वर है? खटमल, खटमल। अगर ये कुछ रीड करना नहीं आता इट्स ओके, हमें सिर्फ देखना है कि इसमें कोई स्वर है। क्या क्या पूछा है हमें? कि इसके अंदर, इस शब्द के अंदर कोई स्वर है? तो स्वर हमें वापस याद करने हैं मन में कि हमने कौन कौन से स्वर सीखे थे, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए, आई, ओ, औ, है इसमें कुछ भी है? नहीं ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? ना, कि इसके अंदर कोई स्वर नहीं है। देखो अभी ना डैश ब्लैंक है, धा, धा शब्द में कौन सा व्यंजन आएगा? धा डैश है, यहां पर आप आंसर है, शब्द में कौन सा व्यंजन आएगा? तो क, ख या ग, कधा ऐसा नहीं होता, खधा ऐसा भी नहीं होता, तो गधा क्या होता? ग, तो इसका आंसर क्या आएगा? यह ग वाला, राइट? तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आपको कोई खरगोश का पिक्चर दिया है तो आपको उसको पहचान के नीचे आपको देखना है कि ख वाला वर्ण कौन सा है। खरगोश चार अक्षर होते हैं, ख, र, गोश, ओके, तो वो चार वर्ण वाला अक्षर कौन सा है, तो उसको आपको टिक कर देना है। फिर आपको कोई खत का पिक्चर हो, ओके, वर्कशीट में क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने आप लोगों को वर्कशीट अभी आप लोगों को दूंगी इस बार इस सेशन में, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ अभी, कि ऐसा है एक तारा शब्द में कौन सा स्वर है, तो ए, फिर ए नक का एक पिक्चर दिया है तो उसमें ये कौन सा चित्र है, तो वो ए नक का है, राइट? नीचे दिया होगा ए बी, ए नक या एक तारा, तो किसका चित्र है वो आपको देख के लिखना है। फिर ए रावत शब्द में कौन सा स्वर है, तो वो है आई, राइट? फिर डेज न क, न और क, तो क्या होगा? ए न क, उसमें कौन सा स्वर आएगा वो आपको देखना है। देखो खास आपको ये बात याद रखनी है, ए और एन में देखो हम लोग ये एक रब कर देते हैं, और मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि आपको क्या करना है। अगर जब कोई दो ई हो, ओके, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, या तो फिर ए हो या फिर ऐ हो, तो आप लोगों को याद रखना है कि किसमें छोटी ई आएगी, किसमें बड़ी ई आएगी, किसमें ए आएगा या किसमें ऐ आएगा, ओके, ये दो मात्रा होती है। कैसी मात्रा होती है? दो। अगर हम गुजराती में करते हैं तो ए के ऊपर ऐसे आता है, राइट? अगर हम हिंदी में, गुजराती में दो मात्रा करनी है तो हिंदी में ये होगा और ओके इसका ये होगा, राइट? तो आप लोगों को खास ये याद रखना है कि अगर हमें ई ई और ए ए के बारे में पूछा है तो हमें कौन सा ए रखना है और किसने हमें आई रखना है,
इसके लिए आप लोगों को मैंने जो फर्स्ट हमने पार्ट स्टार्ट किया था तब मैंने आप लोगों को शब्द दिखाए थे, ए से कौन से वर्ड बनते हैं, ऐ से कौन से वर्ड बनते हैं, राइट। वो आप लोगों को बार बार देखने हैं कि ए से कौन से वर्ड, ओ से कौन से वर्ड, ओके। एक बार देखो, चलो मैं वापस आप लोगों को रीड करवाती हूँ कि मैंने कौन कौन से वर्ड लिखे थे। ए से एल्बम, ए से एक, ए से एक तारा और ए से एवी। ये सारे कौन से ए वाले थे? यस, ए वाले शब्द, राइट। ए से एक एल्बम, ए से एक, ए से एक तारा और ए से एडी। फिर ना वो भी आई वाले, ऐसे एरावत, ऐसे एना, ऐसे ऐश्वर्य। ऐश्वर्य यानी कि क्या होगा? ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी कि बहुत सी सारी दंदौलत, ओके। तो आई से क्या क्या बनेगा? एरावत, एना, ऐश्वर्य, राइट। ये सारे वर्ड है आई के। फिर ओके, ओके हमने कौन कौन से वर्ड देखे थे? ओके हमने ओडनी, ओस, ओखली, ये सारे वर्ड देखे थे। ओ से ओढ़नी, ओस, ओखली, राइट, और, ओके। अब देखेंगे ओ के ऊपर दो मात्रा वाले वर्ण, कैसे वर्ण? जिसके ऊपर, ओ के ऊपर दो मात्रा है, कितनी मात्रा है? दो। तो ओ से औरत, औजार, औषध, राइट। याद करवा रही हूँ वापस इसलिए क्योंकि आप लोगों को ब्लैंक्स भी आएगी ऐसी, ओके। तो इस ब्लैंक्स के लिए हमें ये औरत वर्ड पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक मात्रा वाला है या दो मात्रा वाला। औरत में कितनी मात्रा आती है, दो मात्रा या एक मात्रा, वो हमें याद रखना है, राइट। अब है हमारा क, तो क से कबूतर, क से कलम, क से कबूतर, क से कलम, क से कमल और क से कछुआ। फिर ख से खर, ख से क्या क्या होगा? ख से खर, ख से खजूर, ख से खरगोश, ख से खटमल, राइट। फिर ग से क्या आएगा? ग से गर्दन, ग से गमला, ग से गधा, राइट। फिर ग, तो ग से क्या क्या आएगा? ग से घड़ी, ग से घर, ग से घड़ा, ग से घर, ओके। ये सारे वर्ड हमें देखने हैं, ओके। और हमें याद भी रखना है कि औरत में दो मात्रा आती है, एल्बम में ए सिंपल वाला जो ए होता है जिसके ऊपर मात्रा नहीं होती वो आएगा, फिर ऐरावत में ऊपर मात्रा वाला ऐ आएगा, ऐ है ये ऐ, ओके। औ, औ, आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को रीड करना है, डन। और वर्कशीट में जो आप लोगों को दूंगी वो आप लोगों को रॉक बुक में मम्मी को बोलना है कि वो एक बार लिख दे और फिर आप लोगों को उसमें आंसर लिखने की ट्राई करनी है, अदरवाइज आप लोग उसकी प्रिंट निकाल ले और उसमें पेंसिल से एक बार प्रैक्टिस करे, वापस रब कर दे उस पर, वापस पेंसिल से आप लोग ट्राई कर सकते हो और एक दो बार प्रिंट निकाल के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते है, डन। तो नाउ नेक्स्ट सेशन से हम हमारा आगे का कोर्स स्टार्ट करेंगे। एग्जाम में सभी को बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाना है क्योंकि सबको पूरे मार्क्स चाहिए, राइट, ओके। तो रिवीजन है वो आप लोगों को कंप्लीट करना है, वर्कशीट जो मैंने रिवीजन की दी है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो वर्कशीट है हमारी रिवीजन की वो आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से क्लियर करनी है, राइट। तो अभी हम हमारा नेक्स्ट सेशन से फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे का कोर्स, ओके। तो तब तक के लिए बाय।